किरण की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आप देख रहे होंगे ये क्या चीज है, ये देखिए इस तरीके का सैंडविच है और इसको पडला सैंडविच बोलते हैं, जो बम्बई और गुजरात का बहुत ही फेमस जो है स्ट्रीट फूड है। तो इसको हम घर पर कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से झटपट तरीके से, तो आइए इसे बनाना सीखें। हम जो रेसिपी बना रहे हैं पडला सैंडविच, उसमें हमने नॉर्मल जो घर में बेसन यूज़ करते हैं वो हमने ले लिया है 1 कप, और इस बेसन में हम 3 टेबल स्पून सूजी मिला देंगे, इससे क्रंचीनेस होगा। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप मोटा बेसन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे, क्योंकि बेसन के साथ अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये जो है गैस भी नहीं करता और हाजमे के लिए भी ठीक है। तो अजवाइन डाल दी हमने, और स्वादानुसार हम थोड़ा सा 1 टीस्पून करीब नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, ज़्यादा हल्दी नहीं। हल्दी डालने से इसका जो है कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम 1/3 कप फ्रेश दही डालेंगे, घर का खट्टा दही नहीं हो और पुराना दही नहीं हो, क्योंकि जब रेसिपी बनती है अगर पुराना दही हम यूज़ करते हैं तो बेसन के साथ मिलके बहुत अजीब सी स्मेल आती है, तो इतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो 1/3 कप मैंने दही डाल दिया। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा सा एक गोल बना लेती हूँ। तो मैंने बेसन का जो है गोल बना लिया, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, आलू बड़े का और ब्रेड पकौड़े का जैसा हम गोल बनाते हैं वैसा ही हमें गोल बनाना है। वो ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको, और वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। गाढ़ा होता है तो इसकी लेयरिंग जो है गाढ़ी हो जाती है और कुरकुरापन होने में भी दिक्कत आती है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और थोड़े से हरे धनिया पत्ते कटे हुए डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और अब इसका हम स्टफिंग तैयार करते हैं। एक पैन हमने चढ़ा दिया है गैस पर, इसमें हम सिर्फ 1 टीस्पून तेल डालेंगे। तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर ज़्यादा तेल हम यूज़ कर लेंगे तो हमारा सैंडविच जो है वो क्रंची नहीं होगा। और इस गरम तेल में हम जीरा डाल देंगे। जीरे के बाद लहसुन और अदरक हमने कूट लिया था, आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। अदरक को और लहसुन को मैं अच्छे से कर लेती हूँ, हरी मिर्ची डाल देती हूँ। अब हम प्याज डाल देंगे, हमें किसी भी सब्जी को गलाना नहीं है, जस्ट इसमें डाल करके हल्का सा उसका कच्चापन दूर करना है। तो प्याज भी हमारे हो गए, और अब इसमें हम अपनी सारी सब्जियां डालेंगे, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देंगे, इसको भी चला लेंगे 1/2 सेकेंड। फिर हम बारीक कटा हुआ पालक डाल देंगे। सीजनल जो भी सब्जी आपके पास हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हमारा सैंडविच जो है दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है और हेल्दी भी है। तो हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो हेल्दी चीज़ें हमारे लिए। और अब इसमें मैं कद्दूकस की हुई गाजर डाल देती हूँ। इसमें मैं ग्रेटेड आलू डाल देती हूँ, ताकि आलू जो है हमारा इन सब्जियों को बाइंडिंग का काम करेगा और क्रंचीनेस लाने में भी और टेस्ट को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो एक आलू मैंने उबाल लिया और उसको ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। इसमें अब हम शिमला मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई, टमाटर डालेंगे और थोड़े से कॉर्न डाल देंगे, और इसको अच्छे से होने देंगे। बस हमें लगातार चलाते हुए सारा सामान एक के बाद डालते जाना है, बस पानी ना छूट जाए इतना ही हमें पकाना है, पानी नहीं छूटेगा क्योंकि हमने तेल भी कम यूज़ किया है। अब इसमें हम
स्वादानुसार नमक डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, अमचूर पाउडर डाल देते हैं, जीरा पाउडर डाल देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल देते हैं। इन सब्जियों के साथ काली मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तब हम गैस बंद कर देते हैं और सारे मसाले जो हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल जो है ये हमारी स्टफिंग लग रही है और हेल्दी भी है ये बहुत। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इस सैंडविच को हम तवे पर बनाएंगे, तो तवा मैंने गरम चढ़ा दिया है। इस पर मैं हल्का सा तेल लगा लेती हूँ। तो देखिए मेरा ये बेसन का घोल है और ये तवा इधर गरम हो रहा है, तो इस घोल में मैं अपनी ब्रेड डालूंगी इस तरीके से। हाथ का उपयोग भी कर सकते हैं आप और इसको तवे पर रखेंगे। अब दूसरी ब्रेड को भी हम इसी तरीके से रखेंगे और जो ट्रिक एंड समझ वाली बात है वो मैं अभी आपको क्लोजअप करके बताती हूँ कि मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रही हूँ दूर से, और आपको इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये ब्रेड रख दूँ पहले एक बार। तो ये देखिए ब्रेड जो मैंने रखी है, अब इनके जो बीच का जॉइंट है, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बेसन रख लूँ ताकि जो दोनों ब्रेड हैं ये दोनों जुड़ जाएं। अब ये देखिए ब्रेड का जो साइड है वो दोनों एक जैसे साइड होने चाहिए। जैसे ये ब्रेड है तो इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं ये इस तरीके से होना चाहिए। अगर हमने एक ब्रेड यूँ रख दी और एक ब्रेड यूँ रख दी तो आप देखिए दोनों सिमिलर नहीं लगेगी और फिर फोल्ड करेंगे तब प्रॉपर फोल्ड नहीं होगी। तो जैसे हम सैंडविच में दोनों साइडें एक जैसी रखते हैं, तो इस तरीके से जब आप सीध में रख रहे हैं तो ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इस तरीके से, ये दोनों कॉर्नर्स को इस तरीके से रखना है। ये वाली प्रॉब्लम बनाते वक्त बिगनर्स को आती है ज़्यादातर। जैसे ये रखी है तो दूसरी भी ऐसे रखनी है, दूसरी वाली आड़ी रख देंगे तो फिर हम जब फोल्ड करेंगे तब दिक्कत आएगी। तो ये बात आपको समझानी थी इसलिए मैंने इस तरीके से इतना दूर से शॉट लिया। तो अब ये देखिए इस पर मैंने ये डाल दिया और अब इस पर नीचे वाली करवट सिक रही है और अब एक ब्रेड पर जो स्टफिंग बनाई थी हमने ये हम लगा देंगे। अच्छी तरह से सेट करेंगे इसको और दूसरी वाली ब्रेड पे भी लगा देंगे। और क्योंकि ये गीला है ऊपर की लेयर, अभी बेसन गीला है तो इस गीले बेसन पर ये जो सब्जी है स्टफिंग हमारी काफ़ी अच्छे से चिपक जाती है और अच्छे से सेट भी हो जाती है। तो ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है ये और बनाने में भी बहुत इजी है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो प्रॉब्लम जहाँ आती है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। अब देखिए ये सब्जी मैंने इस पर जो स्टफिंग हमने बनाई है सारी सब्जियाँ ये लगा दी है। अब अगर हम कोरा ऐसे पलटेंगे तो कोई कोई चीज़ जो है इससे बाइंडिंग से निकल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा चम्मच में हम बेसन लेंगे और एक हल्की सी इस तरीके से बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे थोड़ा सा बेसन जो है, ये थोड़ा सा बेसन जो है फूल करके अभी इसको बाइंडिंग का काम करेगा। तो ये देखिए इससे ज़्यादा बेसन नहीं लगाना, अगर इससे ज़्यादा बेसन लगाएंगे तो दोनों तरफ से कवर हो जाएगा और फिर हमें सब्जियों का टेस्ट नहीं आएगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा तेल डाल देती हूँ साइड से। और ये देखिए इतनी देर हमने काम किया जब तक नीचे से अच्छे से मंदी आँच पर जो है ये सैंडविच बहुत अच्छे से हो गया। और ये देखिए अब इसको हम धीरे से पलटेंगे और एक ही साइड नहीं है, दोनों साइडें एक जैसी है तो ये लंबा का लंबा जैसे सैंडविच हो गया तो इसको हमें पलटने में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बहुत अच्छी तरीके से हो जाता, इस तरीके से हो गया। अब इसको पलटेंगे, ये देखिए इस तरीके से दिक्कत नहीं आएगी। और अब इसको थोड़ा सा करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें क्रंची नहीं करना है क्योंकि अंदर जो सब्जियाँ हैं इनको हमने ऑलरेडी पका लिया और सिर्फ बाहर की जो ये वाली लेयर है इसी को हमें क्रंची करना है। तो बस इसको भी हल्का सा कर लेते हैं। अब बस वापस इसको पलट लेते हैं, वो ज़्यादा नहीं करना है हमको क्योंकि कच्चापन जो है सब्जियों को हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया। ये देखिए कितनी कलरफुल लग रही है और बेसन जो है वो बाइंडिंग कर चुका है। इससे ज़्यादा अगर बेसन डालते हैं तो फिर लुकिंग में अच्छा नहीं लगता।
अभी हमारा हो गया है, एक लेयर हो गई पूरी। अब इसको हम धीरे से एक ब्रेड को दूसरी ब्रेड के ऊपर, जैसे सैंडविच को हम मिलाते हैं इस तरीके से मिला लेंगे, और अगर ये दोनों आप एक साथ नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग बना लें और फिर आप इसको मिला लें इस तरीके से। तो ये देखिए अब ये हो गया। अब इसकी ये जो लेयर है इसको हमें क्रंची करना है, तो इसको हमें पलट पलट के हम थोड़ा सा तेल और ले लेंगे, और इसको हमें थोड़ा सा अब आँच तेज कर देंगे, और ये वाली जो लेयर है इसको हमें पलट पलट कर अच्छा सा क्रंची करना होगा। तो ये देखिए क्रंची हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इस पर जो है ये क्रंचीनेस अच्छे से आ गई है। तो इसलिए बेसन हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे आज की रेसिपी की टिप एंड ट्रिक्स ले लीजिए कि अगर बेसन पतला हो गया तो हम जैसे ही ब्रेड को डालेंगे तो ब्रेड एकदम से गल जाएगी, फिर हम जैसे पलटेंगे पलटे को डाल करके पलटने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। दूसरा अगर लेयर मोटी हो गई तो फिर इस तरीके का क्रंचीनेस नहीं आएगा, और ब्रेड का और सब्जी का जो टेस्ट आना चाहिए वो बेसन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि कोरा बेसन ज़्यादा लग जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें बेसन जो है बिल्कुल मीडियम गोल ही बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। पतला होगा तो ब्रेड आपकी पहले ही गल जाएगी। तो यही चीज़ हम ब्रेड पकौड़े में भी ध्यान रखते हैं। तो ये देखिए हो गया, तो ये एक तरीके का हो गया। दूसरे तरीके का बताती हूँ जो बच्चों को बहुत ही पसंद है। अब जो हम नया टेस्ट बनाने वाले हैं, इस पे मैंने दोनों ब्रेड इस तरीके से रख दिए, और इसको हल्का सा तेल लगा के हम पहले इसको होने देते हैं, नीचे वाली लेयर को अच्छे से होने देते हैं। तो हमारी नीचे वाली ये साइड हो गई है, अब पहले इसको हम पलट लेते हैं। ये पलट लिया, अब नीचे होता रहेगा और इसके ऊपर हमें जो लगाना है वो हम लगाते रहेंगे, और नीचे इसका सिकाई होती रहेगी। तो अब इसके ऊपर जो है, मैं बच्चों की फेवरेट होती है ये, तो इसमें मैं चीज़ डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो मोजरेला चीज़ और कोई सा भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एक लेयर पे हमने ये रख लिया क्योंकि हम इसको पलट करके सेक नहीं सकते। तो अब इसमें मैं शिमला मिर्ची डाल रही हूँ, जो भी सब्जियाँ हैं आपके पास जो सलाद के रूप में आप खा सकते हैं वो सभी सब्जियाँ इसमें डालेंगे। कॉर्न डाल दिए, टमाटर डाल दिए, प्याज चाहें तो प्याज डाल दें, जो भी चीज़ आपको चाहिए। अब इसके ऊपर भी हमें सीजनिंग करनी होगी, वरना फिर इन सब्जियों का कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो मेरे पास ये पास्ता प्रीमिक्स पड़ा है, अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स पड़ी हो तो वो डाल लें। तो ये पास्ता वाला टेस्ट भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट में पास्ता का नहीं बल्कि ये पिज़्ज़ा का टेस्ट आप आएगा बच्चों को। तो इसमें जो है ये मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, और ज़्यादा अगर चिली फ्लेक्स डालना चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल लें, मैं पीसा पाउडर ही डाल दूँ, और थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्ची डालूँगी, और थोड़ा सा नमक डालूँगी। इतना हमने सामान ऊपर लगाया तब तक इसकी जो नीचे की लेयर है वो भी खूब अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसको हम वैसे ही करेंगे, ये देखिए अच्छे से क्रंची हो रहा है। अब इसको हम इस तरीके से वापस पलट लेंगे, आहिस्ता से ऊपर वाली जो सब्जी है इनको अच्छे से प्रेस कर लें, अच्छे से सेट हो जाती है ये। तो अब इसको हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसमें मैं बटर रखना भूल गई थी, थोड़ा सा बटर रख देती हूँ, और इसको मैं पलट पलट कर इसको भी मैं क्रंची कर लेती हूँ। अब इसको हमें सर्व कैसे करना है ये देख लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये सैंडविच ले लिया है, इसको चाकू से या कैंची से काट लेंगे, इसको मैंने काट लिया ट्रायंगल में, ये देखिए कितना अच्छा बना। अब इसको डेकोरेट करेंगे, तो इसको डेकोरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस पर इसकी साइडों से हम डेकोरेट करेंगे। जैसे मैंने इसको खड़ा कर दिया, अब इस पर मैं हरी चटनी लगाऊंगी इस तरीके से, थोड़ा सा सॉस लगाऊंगी, और थोड़ा सा मेयोनीज या
दही हो तो दही लगा लें इस तरीके से, और फिर इसको मैं बारीक सेव में या बीकाजी भुजिया में लपेट लेंगे इस तरीके से, और फिर हम कटी हुई धनिया पत्ती के अंदर इस तरीके से करेंगे तो ये डेकोरेट हो जाएगा, और ये इस तरीके से क्रंचीनेस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारा चीज़ वाला है, इसको हम इस तरीके से स्लाइस में काटेंगे, तो आप दो तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं, या तो ट्रायंगल काट लें या इस तरीके से काट लें। तो इसको जैसे मैंने काट लिया, इसमें बहुत अच्छे से ये देखिए, अब इस पे हम इसको इस तरीके से रख देंगे, इसको एक साथ रख दिया जैसे हमने। अब इस स्लाइस पर भी हम पहले हरे धनिए की चटनी डालेंगे, थोड़ा सा हम दही डालेंगे, थोड़ा सा हम सॉस डालेंगे, इसको हम नमकीन से सर नहीं सजाएंगे, इसको हम क्योंकि इसमें चीज़ है तो इस चीज़ के साथ ये कॉर्न्स, ये शिमला मिर्ची और थोड़े से टमाटर से हम इसको डेकोरेट करके सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा बम्बई का फेमस स्ट्रीट फूड पडला सैंडविच बनकर के तैयार है, बहुत ही टेस्टी तरीके से बना है, और मैंने दो तरीके से आपको सिखाया, आप किसी भी तरीके से बनाएं, और इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से बना करके ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।